स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों अपन ने मेटेलिक बॉन्ड शुरू किया था। मेटेलिक बॉन्ड में अपन ने सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ली थी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बाद भी अपन डिस्कस करेंगे अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो देखो हमारे दिमाग में क्या कंसेप्ट आता है, एक आता है हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा रेजोनेंस का। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे मेटेलिक ऑर्बिटल के बारे में। ओके, तो एक एक करके सिस्टमेटिक आप बात को समझें। सबसे पहले हमने देखा कि मेटेलिक बॉन्ड है वो ना आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है, कुछ और तरह का होता है। मेटल की अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ली, उससे हमने उन प्रॉपर्टीज को क्लियर किया। फिर हमने देखा उसकी क्या कमियां है। अब हम आए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम तीन पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा रेजोनेंस और फिर मेटेलिक ऑर्बिटल। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि संकरण हो रहा है। ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट नंबर वन पॉइंट आप लिखिए, वो ये है कि जनरली आप सबको मालूम है प्योर ऑर्बिटल के कंपेरिजन में, प्योर मतलब शुद्ध जो कक्षक होते हैं एसपीडी, है ना, प्योर ऑर्बिटल्स मतलब एसपीडी इस तरह, है ना। प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं दे फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वो उनकी तुलना में प्रबल बंध बनाती है। बोलो ये बात आप सबको क्लियर है ना, कि अगर हम प्योर ऑर्बिटल लेते हैं एसपी डी अलग अलग तो वो इतने मजबूत बंध नहीं बनाती जितने की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती है, संकरित कक्षक बनाती है, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है वे आर डायरेक्शनल वन, क्या होती है ये दिशात्मक होती है, है ना। दिशात्मकता से मतलब आप समझिएगा, अगर हम ऐसा ऑर्बिटल लेते तो आप देखिएगा पूरी तरह गोलाकार होती है, है ना, पूरी तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं तो बंध कमजोर होता है। अगर हम पी ऑर्बिटल लेते हैं तो आप देखो वो दिशात्मक होती है, है ना, कि अगर सपोज ये पी एक्स है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में, ये एक्स डायरेक्शन में। ओके, अगर वाई लेंगे तो वाई दिशा में होगा। अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं तो आप देखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना वो किस तरह का होता है, कि उसका एक लोब तो छोटा होता है एक बड़ा होता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि उसका एक लोब छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसका मतलब इस बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, ज्यादा दिशात्मक होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मजबूत बंध बनाती है ना। अगर देखो जनरली हम ये छोटा लोब भूल जाते हैं, अगर जैसे आप एसपी संकरण करते हो तो ध्यान से देखना आप इस तरह से बनाते हो, एक ये बड़ा लोब वाला इधर छोटा इधर गया ये छोटा। जब आप एसपी टू करते हो तो देखना ध्यान से, ऐसे नहीं बनाते हैं अपन, तीन छोटे लोब भी लगाते हैं, क्यों, क्योंकि एक इसका एक इसका एक इसका, है ना। तो जनरली ये छोटी छोटी बातें होती है जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है दे आर मोर डायरेक्शनल, डायरेक्शन मीन्स दे आर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हैंस दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, गॉट इट। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आप लीजिए, अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें, क्षार धातुओं की बात करें, एल्कली मेटल्स, तो आपको पता है कि इनके वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल्स होती हैं और उसके बाद में पी ऑर्बिटल्स होती है ना। तो ये क्या करती हैं कि इनकी एस और पी ऑर्बिटल को मिक्सअप करके एसपी हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, क्या शो करती है, एसपी संकरण शो करती है, गॉट इट। जबकि जो आपकी ट्रांजिशन मेटल्स होती है, जो आपकी संक्रमण धातुएं होती है, ट्रांजिशन मेटल्स दे आर हैविंग इनर डी ऑर्बिटल्स, है ना, एंड आउटर एन ऑर्बिटल्स, तो इसी वजह से वो डीएन हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, कौन सा करती है, सॉरी डी एस, है ना, आउटर एस ऑर्बिटल है 4s वाली, तो दे एग्जिबिट डीएस हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, बोले मेरी बात को, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा मजबूत बंध बनाती है बिकॉज दे आर मोर डायरेक्शनल। एल्कली मेटल्स में एस ऑर्बिटल होती है वैलेंस शेल में और पी ऑर्बिटल होती है जो कि आपस में मिक्सअप होकर एसपी हाइब्रिडाइजेशन देती है, जबकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनमें इनर डी ऑर्बिटल होती है और बाहर एस ऑर्बिटल होती है, वो मिक्सअप होकर के डीएस हाइब्रिडाइजेशन देती है। यहां तक सही बोलो? तो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि पी अगर हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखें तो पी डी ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पी के कंपैरिजन में ज्यादा है, गॉट, मोर डायरेक्शनल, ज्यादा दिशात्मक होती है, और यही कारण है कि डीएस हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ बंध ज्यादा मजबूत होता है एस कंपेयर टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन, यानी डीएस हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ बंध
ज्यादा मजबूत होगा एज कम्पेयर टू द एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। और यही कारण है कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं दे आर सॉफ्ट, वो क्या होती है सॉफ्ट होती है, और जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है वो हार्ड होती है, क्लियर है। और यही कारण है कि सोडियम जो मेटल वगैरह है वो सॉफ्ट होती है, आराम से कट जाती है, क्योंकि उनमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है जो इतना मजबूत नहीं होता जितना कि डीएस हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल और वो मजबूत हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती है। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, राइट। नाउ वी कम टू द अवर सेकेंड पार्ट एंड दैट पार्ट इज द रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद, है ना। अब इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का क्रिस्टल का। लिथियम जो मेटल होती है इसमें क्यूबिक पैकिंग ऑफ आयंस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग होती है। आपको पता है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसमें क्या होता है, मैं आपको एक क्यूब बना के दिखाती हूँ। वैसे मैंने आपको क्लासेस में ये बताया भी था जब आयंस की पैकिंग हुई थी, तब मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक बार फिर से देख लीजिएगा किस तरह से ये क्यूब है ना। इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं बेटा, होते हैं ना। इन 8 कॉर्नर्स पर 8 लिथियम आयन होते हैं इस तरह से, है ना, और बीच में एक और लिथियम प्रेजेंट आयन, क्लियर है बोलो। तो इस तरह से आप यहां देखोगे कि इसमें जो ये पैकिंग होती है, इसमें ये क्यूबिक पैकिंग होती है, यानी आप देखोगे कि इसमें जो लिथियम के में काय केंद्रित घन संकुलन होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग होती है, जिसमें कि कॉर्नर पर आप देखोगे कि ये 4 आयन ऊपर है 4 नीचे है और सेंटर में ये पाया जाता है। सो दिस इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग ऑफ द आयंस, और एक लिथियम परमाणु जो होता है वो 8 लिथियम से घनीय रूप से घिरा हुआ है, क्लियर है बोलो। 1 लिथियम इज सराउंडेड बाय 8 लिथियम आयन इन अ क्यूबिक मैनर, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग होती है, क्लियर है बोलो यहां तक। अब क्या हुआ देखना, अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो लिथियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के वैलेंस शेल में एस के अंदर केवल एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है बोलो, है ना। तो अब ये है कि लिथियम एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बना सकेगा, है ना, क्यों कैसे देखना। अगर मैं देखो आप ये देखेगा, ये मैंने क्या बताया, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 लिथियम है, बीच में एक लिथियम है ना। अब देखो सपोज मैं ऊपर वाला फेस तुम्हें बता रही हूँ, कौन सा बता रही हूँ, ऊपर वाला फलक तुमको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या देखेंगे, एक लिथियम ने एक लिथियम के साथ बॉन्ड बना लिया, क्यों, क्योंकि एक लिथियम की प्यास भी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग करी और एक सिंगल बॉन्ड बन गया। इसी तरह से दूसरे लिथियम ने इसके साथ बना लिया, क्लियर है बोलो, एक फलक बनाया मैंने, ऐसे और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, गॉट इट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये भी तो संभावना है कि ये लिथियम इस लिथियम के साथ बना ले, है ना। सो देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 1 फेस, है ना, एक फलक के अंदर मैंने देखा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। इस तरह से हर फलक में अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। दीज आर नोन एज द कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, क्या कहलाएंगे ये, कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस, सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं तुल्यकालिक अनुनाद, है ना। तो आप ये देखेंगे कि ये सारी की सारी कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, गॉट इट। अब आप देखिएगा मैं दूसरी तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको डिस्कस कर रही हूं, आप इसको सुनिएगा ध्यान से, कैसे कि अगर एक लिथियम है ना, उसके पास में क्या है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करे ये लिथियम, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे तो क्या होगा, देखना आप ध्यान से, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और जो दूसरा लिथियम है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एस में 1 और एक आ गया किस में, पी के अंदर 1। अब आप देखो जो माइनस वाला है वो 2 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आप देखना ध्यान से, मैं केवल एक फेस ले रही हूँ, ओके, एक फेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं देखते जाना ध्यान से। ये लिथियम है, ये लिथियम लिथियम, ये नेगेटिव वाला लिथियम, ये पॉजिटिव वाला लिथियम, समझ में आया नहीं आया क्या, कि जो नेगेटिवली चार्ज वाला है उसने तो 2 नॉर्मल बॉन्ड बना लिए लिथियम के साथ और इसके ऊपर आ गया प्लस,
अब ये चारों कॉर्नर्स पे इसी तरह आप रेजोनेंस कर सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, ये लिथियम प्लस हो गया है ना, और ये लिथियम माइनस हो गया, इसलिए अगेन दो बॉन्ड बना लिए इस तरह से। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया ये। तीसरा स्ट्रक्चर भी इसी तरह से थर्ड कॉर्नर पर हम ले लेते हैं। किस तरह से कि थर्ड कॉर्नर पर ये लिथियम प्लस आ गया है ना, ये लिथियम माइनस इधर आ गया, इसने इधर बॉन्ड बनाया, इसने इधर बॉन्ड बनाया। इसी तरीके से आप फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे। अब ये इस कॉर्नर पे आ गया लिथियम प्लस, ये लिथियम माइनस, और ये लिथियम माइनस। क्लियर है, बोलो। माइनस से ये दो बॉन्ड बना लिए है ना। तो आप यहां देखो कि ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। दीज आर नोन एज आयनिक स्ट्रक्चर्स। कैसे है ये आयनिक स्ट्रक्चर्स है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस। क्लियर है, बोलो, है ना। तो कुल मिला के आप देखो, एक सिंपल सी लिथियम का स्ट्रक्चर था, उसमें एक फेज मैंने केवल लिया है, उसमें इतने कोवलेंट स्ट्रक्चर्स भी बने और आयनिक स्ट्रक्चर्स भी बने। कोवलेंट वालों को हमने सिंक्रोनाइज रेजोनेंस कहा है, और इनको हमने अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस कहा है। और आपको पता है कि जितने ज्यादा रेजोनेंस होते हैं उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, और यही कारण है कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। गॉट इट। यहां पर आप देखिएगा कि जो 2p ऑर्बिटल्स थी ना, इसको हम मेटेलिक ऑर्बिटल भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटेलिक ऑर्बिटल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है खाली होती है, अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेती है और इस तरह से मेटेलिक बॉन्ड बनाती है। क्लियर है, बोलो। तो ये आप देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने दो पॉइंट आपको क्लियर करें। पहला हाइब्रिडाइजेशन किया, आपने देखा कि जो एल्कली मेटल्स होती है दे शोज sp हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर वीकर, वो थोड़ा वीक बॉन्ड बनाती है क्योंकि कम डायरेक्शनल होती है, और इसीलिए एल्कली मेटल्स सॉफ्ट होती है। जबकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है वो ds हाइब्रिडाइजेशन करती है और वो मजबूत बंध बनाती है क्योंकि वो ज्यादा डायरेक्शनल है d ऑर्बिटल, और इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होती है। क्लियर है। और इसके अलावा हमने अनुनाद पढ़ा। अनुनाद में आपने क्या देखा कि लिथियम जैसा एक सिंपल सा हमने क्रिस्टल लिया, उसकी भी कितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो किसको किस तरह से स्टेबिलिटी देते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी अभी जो हमने पढ़ा था क्या हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना, दे एग्जिबिट ds हाइब्रिडाइजेशन। क्या शो करती है, वो ds संकरण शो करती है, ds हाइब्रिडाइजेशन है ना। हाइब्रिडाइजेशन वाले पॉइंट में आप ऐड कर लीजिएगा इसको, ds हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल्स है ना। तो इसमें ये चीज बताई गई है कि जैसे जैसे हम उनकी तरफ जाते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम जब मूव करते हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो डी जो होती है आपके अंदर वाली डी ऑर्बिटल, दैट इज एन माइनस वन डी और एनएस ऑर्बिटल के बीच में ऊर्जा का अंतर कम होता जाता है, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस। जब इधर की तरफ जाओगे 3d सीरीज में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डी एंड एस ऑर्बिटल डिक्रीजेस है ना। तो इस जैसे जैसे इनमें ऊर्जा का अंतर कम होता जाता है, वैसे वैसे हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा होता जाता है, और जैसे हाइब्रिडाइजेशन अच्छा होगा तो वो मजबूत बंध बनाएंगे। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे हम 3d ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं फ्रॉम स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक, तो ऊर्जा का अंतर कम होता है, लेस एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। और यही रीजन है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। ध्यान से सुनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है, बंध की प्रबलता भी बढ़ती जाती है। क्रोमियम पे ऊर्जा अंतर लगभग बराबर हो जाता है, या ये कहिए कि डी और एस की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, और इसीलिए क्रोमियम का जो बंध होता है वो सबसे मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड शो करते हैं। क्लियर है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये ऊर्जा का अंतर फिर से कम होता जाता है। यानी हम अगर हम कहें तो आप देखो, उसको सुनना ध्यान से, फिर से अपनी बात को एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो कि जब हम 3d ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम की तरफ, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम की तरफ, तो डी और एस के बीच में ऊर्जा का अंतर कम होता जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है।
क्या डिक्रीज होता है? एनर्जी डिफरेंस किसके बीच का? डी और एस ऑर्बिटल के बीच का। क्लियर है? बोलो, है ना? तो इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। क्लियर है? और यही कारण है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्रोमियम पे एनर्जी डिफरेंस लगभग खत्म हो जाता है, या कह दो डी और एस की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, और इसीलिए इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, सबसे मजबूत मेटेलिक बंध पाया जाता है, और इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद अगर आप फर्दर देखेंगे तो डी और एस के बीच ऊर्जा का अंतर बढ़ता जाता है। डी एंड एस के बीच एनर्जी डिफरेंस इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज हो रहा है? एनर्जी डिफरेंस, है ना? और अगर एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो डी और एस ऑर्बिटल दूर दूर जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन इतना प्रभावी नहीं होगा, और इसीलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, है ना? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन दिस सीरीज। क्लियर है? बोलो। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई कि जो 3D ट्रांजिशन सीरीज में है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो पहले बढ़ते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम पर मैक्सिमम होते हैं, फिर से कम होते हैं, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। गॉट इट? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे डीएस हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से होता जाता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, क्रोमियम पे बहुत ही अच्छा डीएस हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर ऊर्जा का अंतर डी और एस के बीच बढ़ता जाता है, और बॉन्ड की वीकनेस भी बढ़ती जाती है, और इसलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगले में मैं आपको मेटेलिक ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।